वेलकम टू स्टडी आई क्यू हम अमित वरे दि किलोर एवरी ग्रेट लीडर या फिर किसी भी कंट्री के जो प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना दे ऑलवेज लुक टू पुट दे मार्क ऑन हिस्ट्री उनकी क्या लेगेसी रहेगी ये उनके दिमाग में दे आर ह्यूम राइट इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर्स आर ह्यूम दे ऑलवेज आर वरिड अबाउट हाउ द हिस्ट्री विल परसीव दैम विच इज द ग्रेटेस्ट लेगेसी दे लीव बिहाइंड चाइना के प्रेजिडेंट इस समय शी जिनपिंग है एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी ग्रेटेस्ट लेगेसी जो पीछे छोड़ना चाहते हैं देट वुड बी एसोसिएटेड विद द री यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान रीयूनिफिनिकेशन ऑफ ताइवान क्या एसोसिएटेड है चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसको कहते हैं वन चाइना पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी इसका मतलब यह है कि देर इज ओनली वन स्टेट या वन कंट्री विच इज कॉल्ड चाइना डिस्पाइट देर इज एग्जिस्टेंस की बेसिकली देर आर टू गवर्नमेंट ऑफ दाइना डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ टू गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि वो चाइना के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है वट इज सिचुएशन आई थिंक आई लॉर्ड ऑफ पीपल नो कि चाइना और ताइवान के बीच में इस प्रकार का कोई घर्षण या कोई फ्रिक्शन चल रहा है रिलेटेड टू हेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द चाइना इसका मतलब ये होता है वन 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 चाइना पॉलिसी का जो कि चाइना मेन लैंड जिसमें जी जिनपिंग जिसके प्रेजिडेंट है वो फॉलो करते हैं उसका मतलब यह है कि जो भी कंट्रीज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पी आर सी जिसको मेनलैंड चाइना बड़े वाला चाइना जिसमें डेढ़ सौ करोड़ लोग रहते हैं उसके साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं तो उनको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान ताइवान अपने आपको क्या कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रेक करेंगे यानी कि देर इज ओनली वन चाइना और तुम किसी एक ही चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हो दोनों के साथ नहीं कर सकते हो इट इज द डिप्लोमेटिक एक्नोलेजमेंट ऑफ चाइनाज पोजिशन एक ही चाइनीज गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस करती है जो मेनलैंड चाइना है वो मानता है कि ताइवान इज बेसिकली जस्ट अ ब्रेक अवे प्रोविंस फ्रॉम द ओरिजिनल चाइना वो सिर्फ एक ब्रेक अवेन्स प्रोविंस है उसका जो क्लेम है।, है और जो कि लैंड चाइना है चाइना एंड ताइवान दे आर सेपरेट दे पार्टिसिपेट सेपरेटली इन इंटरनेशनल इवेंट्स ये अलग अलग बात है अलग कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है इन ओलंपिक्स होते हैं उसमें अलग अलग अपनी अपनी टीम भेजते हैं बट उसके बावजूद भी चाइना रिपीटेडली इस बात पर इंसिस्ट करता है कि ताइवान को चाइनीज़ ताइपी कहा जाए क्यों क्योंकि वो उन दे वेरी डीप एंजाइटी इन द चाइना कि कोई ताइवान को एक लेजिटिमेट कंट्री की तरह इंटरनेशनल रेकोगनाइजेशन ना दे दे क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये ताइवान एक कंट्री नहीं है इट इज़ जस्ट अ प्रोविंस ऑफ चाइना ये दोनों की दोनों एंटिटीज़ ताइवान एंड दी चाइना 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद सेपरेट हुए थे 1927 में चाइनीज़ सिविल वॉर स्टार्ट होती है दो फैक्शन होते हैं एक तो होते हैं नेशनलिस्ट दूसरे होते हैं कम्युनिस्ट 1949 में जो नेशनलिस्ट हैं वो चाइना मैनलैंड से भाग के ताइवान में आ जाते हैं और चाइना बेसिकली कम्युनिस्ट सिविल वॉर को जीत जाते हैं विच दे फाइंड फाइनली वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टेब्लिश कर लेते हैं जब वो नेशनलिस्ट जो कि ताइवान भाग कर आए थे वो क्लेम करते हैं कि दे आर एक्चुअली द ओरिजिनल चाइनीज गवर्नमेंट लेकिन उसके बाद जब से लेके 1949 से जब से जो प्रेजेंट डे चाइना का गठन हुआ है तब से लेके ताइवान इस ताइवान स्ट्रेट के बीच में बड़ी सारी सी टेंशंस इंटरनेशनल स्ट्रेस रहे हैं कई सारे क्राइसिस हुए हैं बट कभी भी आउटराइट वॉर नहीं हुई यानी कि मेनलैंड चाइना ने कभी भी मिलिट्रली मिलिट्रली ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की दो देर है कि भाई हो सकता है कि चाइना अटैक कर दे कभी उनके वहां पर शिप भेज देता है कभी उनके वहां पर एयरप्लेन भेज देता है बट आउट राइट वॉर नहीं हुई है मोर देन सेवेंटी ईयर्स चाइना एंड ताइवान हैव बेसिकली अवॉइडेड कमिंग टू ब्लोज सो बेसिकली पिछले लास्ट के डेढ़ दो डेकेड के अंदर जो ताइवान और चाइना के बीच में है वो रिलेशन मोर लेस रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं डिस्पाइट सम हियर एंड देयर थोड़ी बहुत जो टेंशन चलती रहती है आइडिया ये है कि बेसिकली चाइना

एक पब्लिकली बेसिकली वॉ भी किया था कि ही विल री यूनिफाई ताइवान विद चाइना बट वो पीसफुल री यूनिफिकेशन होगी एटलीस्ट लास्ट सेवेंटी ईयर्स तक जो जो चाइनीज डिस्पेंसेशन है उसका उद्देश्य यही रहा है कि ताइवान है ब्रेक अवे प्रोविंस इसको हम इंक्लूड करेंगे इसको री यूनिफाई करेंगे चाइना से और मोर ओर लेस देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि जो ये री यूनिफिकेशन है ये पीसफुल होगी एंड ये पीसफुल री यूनिफिकेशन की जो पॉलिसी है इसको फॉलो करने के लिए चाइना ताइवान के साथ इकोनॉमिक कल्चरल और सोशल टाइज रेगुलरली इंक्रीज करता रहता है दर इज अ लॉट ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री जो कि वहां पर इन्वेस्ट करती है कल्चरल उनके टाइज काफी स्ट्रॉग होते जा रहे हैं उसके साथ साथ बट मोर इंपॉर्टेंटली नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि इंटरनेशनली वो ताइवान को आइसोलेट करता रहता है सो चाइना वॉन्ट्स टू पीसफुली रीयूनाइट विद ताइवान वहाँ के साथ इन्वेस्टमेंट uh, करता है उनके साथ सोशल कल्चरल रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करता रहता है अंडर द पॉलिसी ऑफ द पीसफुल री यूनिफिकेशन बट इंटरनेशनली दे वॉन्ट टू दो ताइवान को आइसोलेट करते हैं सो दैट ताइवान सी इज द वे ताइवान को कोई और ऑप्शन ना मिले री यूनिफिकेशन के अलावा इंडीड कोई भी इकोनमिक इंड्यूसमेंट लगा देता है अगर कोई भी ताइवान के साथ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर कोई भी ताइवान को अबेंडन करता है बीजिंग के लिए यानी चाइना के लिए तो उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी मिलते हैं अपनी ग्रोइंग मतलब जैसे जैसे चाइना पिछले लास्ट तीन से चार डेकेड में उसकी इकोनॉमिक लेवरेज बढ़ी तो उसी इकोनॉमिक लेवरेज को उसी इकोनॉमिक पावर को उसने यूज़ किया कि वो ताईपी यानी कि ताइवान की जो पोजीशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वो कम करे कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटीज़ इंडिविजुअल्स हर जगह पर कोशिश करता है अपनी इकोनॉमिक लेवरेज को यूज़ करके कि हर जगह सिर्फ वन चाइना पॉलिसी फॉलो हो ताकि ताइवान को इंटरनेशनली कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए एंड इफ ताइवान बी आइसोलेटेड दे वुड हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट री जैसे जैसे जितने भी टैक्टिक्स थे कितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं लिया जा सकता था हाँ आ, कई बार रिटोरिकली जो चाइनीज डिप्लोमेटिक है वो आके कहते थे कि वी हैव राइट टू मिलिट्री एक्शन ताइवान एक्चुअली में हमारा ही है और हमारे पास पूरी राइट है मिलिट्री एक्शन के लिए बट देवर दे दे गो अहेड विद इट बट रिसेंटली धीरे धीरे लग रहा है कि जी जिनपिंग को अपनी लेगेसी को सीमेंट करने के लिए द थिंग्स माइट एक्चुअली चेंज क्यों There have been some disturbing signals from the China कि वो अपनी पीसफुल अप्रोच को रिकन री कंसीडर कर रहा है एंड इज़ पॉसिबिलिटी दिसिटीपलेटिंग आर्मिफिकेशन आर्म री यूनिफिकेशन यानी कि जो पीसफुल री यूनिफिकेशन की पॉलिसी है पिछले तीस चालीस सालों की उसको इशू ताइवान इशू का मतलब री यूनिफाई करो चाइना के साथ और इस चीज को वो करेगा करेगा एंड ही इज एक्चुअली ग्रोइंग डेस्परेट अबाउट इट डेस्परेट इन इज मोर अग्रेसिव ऑन दी सॉनिटी इशू अब ताइवान के बारे में

ऑल्सो ये जो फोर्सफुल टेक ओवर ऑफ ताइवान की जो डिस्कशन है ये जनरली पब्लिक को अंदर डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी जाती है सो दिस इज व्हाट द अथॉरिटीज इन गवर्नमेंट डपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि व्हेन दे वांट टू डू समथिंग जिसके बारे में पॉपुलर परसेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले उनको पब्लिक को मनाना पड़ता है किसी चीज के लिए एंड हाउ डू दे डू द इंफॉर्मेशन प्रोपोगडा या फिर जो स्टेट स्टेट के जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनके थ्रू वो फर्स्ट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं टू टेस्ट so, दी वॉटर सो धीरे 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 करके उन्होंने कि ताइवान को फोर्सफुल हम अगर टेक ओवर कर ले इस चीज को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया और मेन स्ट्रीम पब्लिक के अंदर भी डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू ऑलवेज गेट सपोर्टर्स इवन ऑफ द मोस्ट रेडिकुलस आइडिया धीरे धीरे उनको इस बात में जो पब्लिक है उनको सपोर्ट भी करने लग रही है अब जो ये बीजिंग की थिंकिंग की इतनी जो बदल रही है पीसफुल री की पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मिलिट्री चाइना इज नाउ एन इकोनॉमिक सुपर पावर नो डाउट्स अबाउट इट दिस इज बेसिकली अनएम्बिगस एनी मोर तो उसकी वजह से जो वो मिलिट्री उसकी मॉडर्नाइज हो रही है इस से चाइना का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि प्रॉबेबली ताइवान को अब वो मिलिट्रीली बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर देते हैं बिफोर टेन इयर्स और टू मतलब बिफोर वन और टू अगो दे वर ऑलवेज वेरी ऑफ द फैक्ट कि अगर वो ताइवान को आर्म्ड संरक्षण के द्वारा यूनिफाई करेंगे सो दिस पॉसिबिलिटीक्ट ताइवान नाउ रियलाइज यूनाइटेड स्टेट्स माइट नॉट डिफेंड इट अगेंस्ट एन अटैक अगर बेसिकली चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्री अटैक कर देता है इंडियड वो सोचते हैं कि प्रॉबेबली पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ही नहीं है कि विद चाइना सोनली फॉर द ताइवान हो नहीं सकता है। तो पहले जो मिलिट्री लीडर्स थे चाइना के जिनको लगता था कि इट्स जस्ट अ फैंटेसी आर्म्ड रिविलियन या आर्म्ड यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है दे नाउ थिंक इट इज़ अ प्रोबेबली एब्सोल्यूट रियलिटी पॉसिबल है कि उसको किया जा सकता है आर्म्ड यूनिफिकेशन की जो सपोर्ट है वो चाइनीज पब्लिक के बीच में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के भी अंदर ग्रोइंग ग्रो कर रहा है दिस इज एब्सोल्यूटली सिमिलर टू हाउ द फार्मर प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन इन इंडिया ऑल्सो ठीक प्रोटेस्टिंग इज मोर ऑफ मोर और लेस ए लेजिटिमेट एक्टिविटी कोई भी किसी भी बात पर प्रोटेस्ट करता सकता इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको लॉ सही लगे या गलत लगे उसके बेसिस पर प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता अगर आपको लॉ सही लगता है लेकिन किसी और को गलत लगता है तो वो जाके प्रोटेस्ट कर सकता है बट मोर और लेस गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस द मिडिल क्लास व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटेस्ट कि दीस प्रोटेस्ट्स आर एंटी इंडियंस ताकि जब उसके ऊपर थोड़ा सा सप्रेशन हो गवर्नमेंट का सप्रेशन हो तो पब्लिक बेसिकली कुछ ना कहे सिमिलरली चाइना आल्सो डूइंग कि जब वो चाइना के जब वो ताइवान के अगेंस्ट आर्म्ड एक्शन ले तो पब्लिक सपोर्ट उनके पास पहले से ही अवेलेबल हो इसके साथ साथ जो चाइना है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स से रिलेटेड जो कंसर्न उसको वैसे ही अवैंडन करता जा रहा है द मोर पावरफुल यू गेट द मोर करप्ट यू गेट द पावर पॉर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सल्यूटली तो बीजिंग में अब सबके सब, सब डाउट भी करने लगे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अब इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है कि वो चाइना को ताइवान के टेक से रोक सके तभी जी जिनपिंग ने पब्लिकली ये कहा है कि यस वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर प्रोग्रेस फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान एंड अपनी किसी भी प्रकार से इस इश्यू को वो लेजिटिमाइज करना चाहता है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2017 में भी उन्होंने कहा था कंप्लीट नेशनल री यूनिफिकेशन इज एन इनइविटेबल रिजिव्यूनेशन ऑफ देंट सिविलाइजेशन ऑफ दाइना एंड टू टेक इट्स स्पेस अमंगस्ट दर्ल्ड पावर जो ये चाइनीज स्पेस जो ये चाइनीज ड्रीम या चाइनीज पावर का जो आइडिया है जी जिनपिंग के दिमाग में उनके अकॉर्डिंग यह है कि उसके अंदर नेशनल रीयूनिफिकेशन विद विथ ताइवान इज बेसिकली इन कि मतलब ये तो हो के ही रहेगा इसको कोई विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती है एंड हेंस ताइवान का जो फ्यूचर है उसको उन्होंने ताई चाइनीज ड्रीम के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया है उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया है टू ईयर्स लेटर उन्होंने ये कहा कि यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद चाइना इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग दी सो कॉल्ड चाइनीज ड्रीम सो जो चाइनीज पॉलिटिक्स uh, को फॉलो करते हैं फ्रॉम लास्ट सेवेंटी ईयर्स चाइनीज और ताइवान एक सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते थे लेकिन किसी को भी ये नहीं लगता था कि चाइना विल प्रॉबली टेक अ आर्म्ड डिसीजन अगेंस्ट इट या फिर उसको आर्म्ड री के लिए बिकॉज चाइना खुद पीसफुल री की पॉलिसी फॉलो करता था सिंपल तरीका था कि जब ताइवान के साथ कल्चरल सोशल इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप करते रहो और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसको इतना आइसोलेट कर दो कि इसके पास कोई चॉइस ना हो बट हम हमारे साथ रीयूनिफाई करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जी जिनपिंग एंड इट सीम्स दैट चाइनीज मिलिट्री एंड चाइनीज़ पब्लिक आर नाउ एक्चुअली वार्मिंग अप टू आइडिया कि एक आर्म्ड री भी पॉसिबल है और जी जिनपिंग को अगर अपनी लेगेसी में इसको अपनी लेगेसी को सीमेंट करना है और अगर उसकी पीसफुल रियूनिफिकेशन नहीं सक्सेसफुल हुई है चाइना माइट टेक आउंड एक्शन अगेंस्ट ताइवान एंड इट सीम्स यूएस माइट नॉट बी एबल टू स्टॉप इट इफ यू हैव एनी आइडियाज अबाउट इट प्लीज डू शेयर दिस विद मी ऑन माई सोशल मीडिया है